आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंसिस की एक सीए के पर्सपेक्टिव से। आई एम अ सीए बाय प्रोफेशन हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 13 इयर्स। नाउ हम सब जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंसिस के बारे में, और ये सब जानते हैं हम कि पर्सनल फाइनेंसिस में क्या होता है कि मनी आपको सेव करना चाहिए, मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मनी ग्रो करना चाहिए। बट आज मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ जहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये सब बहुत ज़रूरी है, मनी सेव करना, मनी इन्वेस्ट करना, मनी ग्रो करना। बट उससे एक स्टेप बैक लेना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में हमारी करंट पर्सनल फाइनेंस सिचुएशन कैसी है। क्या हम एडुकेट इनकम या एडुकेट मनी को हम सेव कर पा रहे हैं? क्या हम उस सिचुएशन में है कि हम एक्चुअली मनी इन्वेस्ट कर सके? तो इसी पर्सपेक्टिव से मैं आज आपके साथ एक पर्सनल फाइनेंस रिपोर्ट कार्ड शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये समझने के लिए कि एक्चुअल में आपकी नेट इनकम क्या है, आप कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्सपेंसेस आपके कहाँ हैं, और कितना मनी आप एक्चुअली में सेव कर पा रहे हो, और सो दैट आप उसको सेव कर सको, आप उसको इन्वेस्ट कर सको। नाउ ये पर्सनल फाइनेंस रिपोर्ट कार्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें अपनी डिटेल्स फिल इन करिए। और जब आप डिटेल्स फिल इन करोगे तो एक ऑटोमेटिक एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगी जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपकी नेट इनकम क्या है, आपके नेट एक्सपेंसेस क्या है, क्या आपके पास इनकम माइनस एक्सपेंसेस में कुछ सरप्लस बच रहा है या नहीं बच रहा, और इवेंचुअली जो पर्सनल फाइनेंसिस के रूल्स होते हैं, वो जो रेशियोज होते हैं, उस रेशियोज से आपकी एक्चुअल सिनेरियो को कंपेयर किया जाएगा और आपको एक रिकमेंडेशन दी जाएगी कि क्या आपको अपनी इनकम सफिशिएंट है या नहीं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं क्या आपको अपने एक्सपेंसेस कम करने चाहिए। तो वो एक काइंड ऑफ एक रिपोर्ट कार्ड है, आपको सिर्फ वो डाउनलोड करनी है और अपनी डिटेल्स फाइल करनी है। तो समझते हैं वो पर्सनल फाइनेंस रिपोर्ट कार्ड क्या है। नाउ इफ यू सी, फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी इनकम डिटेल्स डालनी है। नाउ ये बहुत ही एक ईजी मेथड है, बेसिकली इसमें आपको सिर्फ अपनी मंथली इनकम डालनी है। आपको क्या करना है, अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपको अपनी सैलरी स्लिप लेनी है और उस सैलरी स्लिप को पूरा रिप्लिकेट कर देना है इस शीट के अंदर, राइट। और अगर आप बिजनेस इनकम है आपकी, तो आप अपनी मंथली कोई एक बिजनेस इनकम को डिफाइन कीजिए कि इतनी है, और उस हिसाब से वो डिटेल फिल इन कर दिए, और अदर सोर्सेज की इनकम में भी, और फिक्स डिपॉजिट और सेविंग। तो नेट आप मंथली इनकम की डिटेल्स इस टैब के अंदर फिल कर सकते हैं। सेकंड टैब इज एक्सपेंसेस। आपको एक एस्टिमेट लगाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके मेजर एक्सपेंसेस कहाँ किस हेड पे जाते हैं। तो एक मंथली एस्टिमेट लीजिए और हर हेड के अगेंस्ट अपने वो एक्सपेंसेस को फिल इन करने की कोशिश करिए, ताकि आपको एक बजट समझ में आ जाए कि आपके जो एक मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन कौन से हेड्स के अंदर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स डालनी है, जहाँ पे आपने मनी अपना सेव किया हुआ है या आपने अपना मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप अपनी इंश्योरेंस की डिटेल्स डालेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो जब आप ये पूरे टैब में अपनी डिटेल्स फिल इन करेंगे, एंड यू विल सी इट्स वेरी इजी। और जब आप इन ये आपको शीट एक बजटिंग की जगह भी काम आ सकती है, जहाँ पे आप अपने इनकम्स के बारे में डिफाइन कर रहे हो, अपने एक्सपेंसेस को डिफाइन कर रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग्स को, राइट। तो जब आप ये डिटेल्स फिल इन कर लोगे, एंड में एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगी, विच इज़ एन ऑटोमेटिक रिपोर्ट कार्ड। अपने आप ही जितनी भी इस रिपोर्ट कार्ड में टेबल्स हैं उसमें डेटा फिल इन ऑटोमेटिक हो जाएगा, और आपको ये बताएगा क्या आपकी करंट सिनेरियो है पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन के। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेबल्स। फर्स्ट टेबल जो ऑटोमेटिक जनरेट होगी, वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपकी एक्चुअली में नेट इनकम क्या है। फर्स्ट टेबल में आपकी नेट इनकम क्या है, सेकेंड टेबल में आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, एक समरी बता देगा मंथली एक्सपेंसेस का। नाउ थर्ड टेबल विच इज़ वेरी क्रिटिकल, इट्स इनकम माइनस एक्सपेंसेस। एक्चुअली में आपके पास क्या कुछ सरप्लस मनी बच रहा है या नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ इवेंचुअली जो लास्ट में जो टेबल है, वहाँ पे आता है आपका स्कोर कार्ड। जब आप सारी डिटेल्स फिल इन हो जाती हैं तो एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है। नाउ वो स्कोर कार्ड है क्या, यहाँ पे कुछ रेशियोज डिफाइन करी हुई हैं और उनके आगे एक आइडियल रेशियोज लिखे हुए हैं। ना वो आइडियल क्या हैं, जो भी पर्सनल फाइनेंस के रूल्स होते हैं उस बेसिस पे वो परसेंटेज या वो नंबर डिफाइन किया हुआ है। ना आइडियल सिनेरियो डिफाइंड है एज पर इंडस्ट्री, एज पर एक्सपर्ट्स। एक्चुअल सिनेरियो, जब आप अपनी इनकम डिटेल्स फिल इन करोगे तो उसमें वो एक्चुअल नंबर्स निकल के आएंगे, वो एक्चुअल परसेंटेज निकल के आएंगे। यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि आप एक्चुअल आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है कंपेयरिंग विद द आइडियल पर्सनल फाइनेंस रूल्स, और वहाँ से आपको एक रिमार्क्स मिलेगा कि क्या आप आइडियल सिनेरियो से मैच कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप प्लस हो या माइनस हो। और आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि आपकी इनकम एडिक्वेट है या नहीं है, क्या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, क्या आपकी डेट ज़्यादा है या डेट कम है।
सो जब आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाएगी, जैसे एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड होती है, आप उस बेसिस पे एक्शन ले सकते हो उसको इम्प्रूव करने के लिए। क्या आपको एक्सपेंस कम करने चाहिए, क्या आपको अपने डेट कम करने चाहिए, क्या आपको अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए अप स्किल्स करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी करंट सिनेरियो करंट सिचुएशन समझनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक्शंस लेको इवेंचुअली अपने पर्सनल फाइनेंसिस के लिए को और अपने मनी को ग्रो कर सको। नाउ इसी तरीके से समझते हैं कि ये रेशियोज क्या हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंस टू इनकम रेशियो। नाउ इस रेशियो में बहुत सिंपल है, जहाँ पे आइडियल सिनेरियो होता है कि 50-70% ऑफ योर टोटल इनकम शुड बी टुवर्ड्स योर एक्सपेंसेस, जहाँ पे आप अपनी नीड्स के लिए एक्सपेंस करते हो, जहाँ पे आप अपनी वॉन्ट्स के लिए एक्सपेंस करते हो, राइट। नाउ आइडियल सिनेरियो होता है कि 50-70% का जो इनकम है आपकी एक्सपेंसेस पर जाना चाहिए। जब आप अपनी नंबर्स डालोगे उसमें एक्चुअल नंबर निकल के आएगा। नाउ लेट्स से आपका 50-60% निकल के आता है, समहाउ आप अपनी इनकम का 50-60% का जो एक्सपेंसेस है वो आप इनकर कर रहे हो आइडियल सिनेरियो में। लेकिन अगर वो बियॉन्ड 70 हो जाता है, लाइक 75-80, सो दैट मींस आप अपनी एक्सपेंसेस को ज़्यादा इनकर कर रहे हो कंपैरेटिव टू योर इनकम, राइट। एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आपको एक रियलिटी चेक होगा कि यार एक्सपेंसेस मेरे ज़्यादा हैं आइडियल सिनेरियो से, तो वो एक्सपेंसेस कौन कौन से, क्या मुझे अपनी नीड्स में चेक करना चाहिए या मेरी वॉन्ट्स में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जो या कोई ऐसा खर्चा जो मुझे करना नहीं चाहिए वो ज़्यादा हो रहा है। तो आपको एक ट्रिगर पॉइंट क्रिएट होगा जहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस को एनालिसिस कर सकोगे, समझ सकोगे अपने करंट सिनेरियो को। सेकंड रेशियो इज डेट टू इनकम रेशियो। ये रेशियो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली क्या होता है, हर कोई लोन लेता है, हर कोई EMIs होती है, चाहे वो कार लोन हो, हाउस लोन हो। तो यहाँ पे जब अपनी आप इनकम डिटेल्स फिल इन करोगे तो आपको समझ में आएगा, जब अपनी डेट की डिटेल्स फिल इन करोगे तो आपके पास एक रेशियो निकल के आएगी। नाउ यहाँ पे एक आइडियल रेशियो जो बोली गई, इट्स अराउंड 35% या 40% टू ऑफ योर टोटल इनकम। अगर आपकी जो EMIs हैं, जो आपकी जो लोन है, जो आपका जो डेट है, उसकी जो EMIs हैं, अगर वो रेंज आ जाती है 30%-35%, तो दैट मीन्स आप इजीली मैनेज कर पा रहे हो अपनी इनकम का कुछ एक पोर्शन जो आप डेट के लिए दे रहे हो। आई थिंक इट्स अ गुड डेट, आप उसको यूज कर सकते, आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। पर जैसे ही वो 35% के बियॉन्ड होता है या 40% के बियॉन्ड होता है, दैट मीन्स आपका डेट हाई है, आपको कहीं ना कहीं वो डेट को कंट्रोल करना है। और यही रिपोर्ट आपको वो एक एनालिसिस देगी, डेटा एनालिसिस दे दिया कि आपका डेट कितना है, डेट रेशियो कितना है, एंड आपको इवेंचुअली उस डेट को समझना चाहिए कि कौन सा डेट आप कम कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, राइट। तो आपको एक रियलिटी चेक इसमें भी दिया जाएगा। थर्ड रेशियो इज सेविंग टू इनकम रेशियो। द हर एक यूनिक रेशियो होता है कि भाई डिपेंड करता है कि वो उसकी एज ब्रैकेट क्या है, उसके इनकम्स क्या हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे डिपेंड करते हैं। बट आइडियल सिनेरियो सेविंग का होता है कि टोटल इनकम का आप 20% एटलीस्ट आप सेव करो, सो दैट आप उस मनी को इन्वेस्ट कर सको फर्दर, राइट। बट अगर आपका एक्चुअल सिनेरियो है कि आप सेविंग सिर्फ 5% कर रहे हो या सेविंग सिर्फ 10% कर रहे हो, तो कितना तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकोगे, राइट। तो यहाँ पे ये रेशियो आपको समझाएगा कि नेट सरप्लस आपके पास, नेट सेविंग्स आपके पास कितनी है टोटल इनकम में से, सो दैट आप आइडल से मैच कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको इंडिकेशन दिया जाएगा कि आप आइडल से बहुत नीचे हो, सिर्फ 5% है या सिर्फ 10% है, तो आपको कुछ करना चाहिए। अब क्या कर सकते हो, या तो आप अपने इनकम को इंक्रीज करो सो दैट आपका रेशियो जितना इंक्रीज करोगे वो सेविंग्स में जाएगा, राइट। एक्सपेंसिस मांगड है, आपको ये सोचना पड़ेगा मैं इनकम कैसे इंक्रीज करूँ, आप स्केलिंग करना है या जॉब चेंज करनी है या कुछ और साइड हसल करनी है, या तो फिर आप ये सोचोगे कि सेविंग इंक्रीज करने के लिए मुझे एक्सपेंसेस डिक्रीज करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे वो एक्सपेंस रेशियो से आप चेक करोगे डेट रेशियो से। तो दीज आर ऑल इंटरलिंक, आपको एक एनालिसिस दे दिया जाएगा ताकि आप समझ सको कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। नाउ नेक्स्ट रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो इज बेसिकली नथिंग, इट्स लाइक एमरजेंसी रेशियो। नाउ इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये कहती है कि आपके पास 4-6 times ऑफ योर मंथली एक्सपेंसिस होना चाहिए आपके पास एज अ लिक्विड एसेट्स। नाउ लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, योर कैश, योर जो भी इजिली अवेलेबल हो, जस्ट क्लिक किया हुआ और द मनी इज विद यू, वेरी इट्स वेरी लिक्विड, राइट। कैश हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, जो भी आपके पास बैंक में पैसा है, जो भी आपके लिक्विड एसेट्स हैं, डिटेल्स उस टैब में आपको मेंशन करनी है, वो इवेंचुअली यहाँ पे वो रेशियो निकल के आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये बताएगा कि अगर आपका जो रेशियो है वो 4 से कम है या 6 से कम है, 3 है 2 है, तो दैट मीन्स आप जो है मेंटेन कर रहे हो लिक्विड एसेट्स, बट आपका जो आइडियल सिनेरियो वो नहीं है। आपको अगर ये ट्रिगर करेगा कि क्या मुझे लिक्विड रेशियो बढ़ाना चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए। सो ये एक पर्सपेक्टिव है जहाँ पे आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले या कुछ भी मनी ग्रो करने से पहले आप अपनी एक फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्शंस ले पाओगे उसको इम्प्रूव करने के लिए, राइट। सो ये एक रिपोर्ट कार्ड है जो मैंने ड्राफ्ट करी है, आप उसको डाउनलोड कीजिए अपनी डिटेल्स फिल के लिए। एंड आई अंडरस्टैंड कि डिटेल्स इसमें फिल करना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जस्ट हाफ एन आवर मंथली
इनकम लीजिए, मंथली एक्सपेंसेस लीजिए, इंश्योरेंस की डिटेल्स लीजिए, उसमें डालिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। एंड वंस यू गेट द रिजल्ट आपको लगेगा यार कि एक नया पर्सपेक्टिव निकल के आया है कि मेरा जो एग्जिस्टिंग डेटा है जो उसको एनालिसिस करके एक आंसर दिया गया ना, अब मुझे उसमें करेक्शंस क्या करनी है या उसमें मुझे प्लस कैसे करना है। सो आई होप आपको ये रिपोर्ट कार्ड रियली हेल्प करे एंड लेट मी नो अगर आपने इसको यूज़ किया और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कैसे हेल्प करा और इस रिपोर्ट कार्ड को और कैसे अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। एंड अगर आप इसका पूरा एनालिसिस करते हो, आपको रिजल्ट आता है, आपको नाउ एक्शन लेना है कि आप मुझे इसमें प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है, क्या मुझे किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, या तो आपके पास जो आपकी जो सीए है जो आपकी फाइलिंग्स वगैरह करता है, टैक्स फाइलिंग करता है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, उनको ये एनालिसिस दे सकते हो कि मैंने एक एस्टिमेट एनालिसिस बनाया है, ये मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, आप कैन यू हेल्प मी, बिकॉज सीए आपको हेल्प कर सकता है, उनको पता होता है। या फिर आप एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है, आप उनके पास जा सकते हो, उनको ये रिपोर्ट शेयर कर सकते हो कि ये मेरी करंट सिनेरियो है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस सिचुएशन इस रिपोर्ट कार्ड में पूरी अपनी एक्यूरेट डिटेल डालो, आप प्लस माइनस 5-10% ऊपर नीचे कर सकते हो, बट एक ऑनेस्ट रिव्यू करो अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन का एंड देन उसका एनालिसिस करो एंड देन कोई एक्शन लो। आई होप दिस गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ टू मैनेज और हाउ टू अंडरस्टैंड योर करंट पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन। दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।